हमारे आसपास ज्यादातर होने वाली घटनाओं के पीछे विज्ञान का कोई ना कोई सिद्धांत छिपा होता है। हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान भी हम कई रूपों में देखते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांतों को सीखना और समझना एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक अनुभव है, जिसे हम सरलता से भी कर सकते हैं। इन्हीं रोचक वैज्ञानिक प्रयोगों को समझाने के लिए आज हमारे बीच में हैं श्री प्रेमचंद शर्मा, जो केंद्रीय विद्यालय देहरादून में एक अध्यापक है। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार। आज मैं आपके पास खूब सारे रंग बिरंगे गुब्बारे देख रहा हूँ, तो आज हमें आप इन गुब्बारों की मदद से कौन से प्रयोग दिखाने जा रहे हैं? अब मैं आपको एक बहुत ही रोचक प्रयोग दिखाने वाला हूँ जी, जिससे हम जानेंगे कि खिंचाव या टेंशन फिनोमिनन क्या होता है। रवि जी, इस गुब्बारे में एक छेद कीजिए। ये तो फट गया। मैं अब आपको बताता हूँ कि गुब्बारे में हम कैसे छेद कर सकते हैं। पकड़िए जी। साइकिल की स्पोक लीजिए और इसके ऊपर थोड़ी वैसलीन लगाइए और फिर गुब्बारे में छेद कीजिए। ये देखिए, अरे वाह, गुब्बारा नहीं फूटा। बिल्कुल, ये कैसे संभव हुआ? हाँ, ऐसा इसलिए हुआ कि अगर हम साइकिल की स्पोक को इसके बीच के हिस्से में मारते हैं और बीच के हिस्से में खिंचाव बहुत ज़्यादा होता है, हवा बहुत तेज़ी से बाहर आती है और गुब्बारा फट जाता है। जब हम इस स्पोक को ऊपरी हिस्से से या नीचे वाले हिस्से से इसके अंदर डालते हैं जी, तब ऊपर और नीचे खिंचाव बहुत कम होता है, इसलिए गुब्बारा नहीं फटता। अब आप कौन सा प्रयोग करने जा रहे हैं? अब मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज यानी स्थिर विद्युत आवेश? बिल्कुल। एक रेशम का कपड़ा लीजिए जी, उसके ऊपर एक गुब्बारे को रगड़िए थोड़ी देर के लिए, फिर देखिए क्या होता है। जी, अरे वाह, ये तो चिपक गया। हाँ? इस पर स्थिर विद्युत आवेश ने किस प्रकार काम किया? जैसे ही हमने गुब्बारे को इस रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जी, तो गुब्बारे और रेशम के कपड़े के ऊपर परस्पर विरोधी आवेश आ गया, इसी कारण गुब्बारा कपड़े के साथ चिपक गया। रवि जी, हम एक और प्रयोग करते हैं। एक गुब्बारा लीजिए और इसे इस कपड़े के ऊपर रगड़िए इस प्रकार। अब इस गुब्बारे को धागे से पकड़ करके मेरे वाले गुब्बारे के साथ लाइए इस तरह। हाँ, इस प्रयोग से हमने ये जाना कि यदि हम गुब्बारे को किसी वस्तु से रगड़ते हैं तो उसमें एक आवेश उत्पन्न होता है। समान आवेश वाली दो वस्तुएं एक दूसरे को धकेलती हैं और विपरीत आवेश वाली वस्तुएं एक दूसरे से चिपक जाती हैं। अब मैं आपको गुब्बारों की सहायता से भारहीनता को कैसे दर्शा सकते हैं, ऐसा एक प्रयोग की सहायता से बताता हूँ जी। इसके लिए एक गुब्बारा लीजिए, फिर इसमें
आधे से कम पानी भर लीजिए जी। फिर इसके नीचे एक छोटा सा टेप का टुकड़ा लगाइए। ये टेप का टुकड़ा किस लिए? इसलिए जब हम इस गुब्बारे में छेद करेंगे तब यह गुब्बारा फूटेगा नहीं। ठीक है। मैं इसमें छेद करता हूं। यह देखिए पानी नीचे टपकना शुरू हो गया। अब मैं इसे नीचे छोड़ता हूं जी। एक बार फिर देखिएगा। जैसे आपने गुब्बारा नीचे फेंका, हमने देखा कि गुब्बारे में से निकल रही बूंदें अपने आप बंद हो गईं। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, जैसे ही कोई चीज ऊपर से बिना किसी रुकावट के धरती की ओर गिरती है जी, तब उसका भार शून्य हो जाता है। इसलिए ऐसा हुआ, जैसे ही हमने गुब्बारे को ऊपर से छोड़ा और उसमें से पानी निकलना बंद हो गया। तो देखा आपने, हमने इन गुब्बारों की मदद से कितनी सरलता से विज्ञान के सिद्धांतों को समझा और जाना। आप सब भी इन गुब्बारों की मदद से घर में ये प्रयोग अवश्य करके देखें।